पिछले वर्ष खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव और आगजनी के बाद हिंसा का माहौल बन गया था, लेकिन इस बार 30 मार्च को मनाई जाने वाली रामनवमी और आगामी त्योहार को देखते हुए खरगोन शहर में पुलिस ने शुक्रवार की रात को व्यवस्था का जायजा लेने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और SP धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में तालाब चौक से होते हुए शहर के विभिन्न संवेदनशील मार्गों पर निकाला गया। आगामी त्योहार विशेष रूप से रामनवमी के पहले पुलिस अलर्ट है, क्योंकि पिछले साल हुई हिंसा के बाद खरगोन शहर में 24 दिन तक का कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस बार पहले से ही पुलिस ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले साल हुई हिंसा इस साल ना हो, इसको देखते हुए पुलिस ने खरगोन शहर में 30 मार्च को मनाए जाने वाली रामनवमी के पर्व को देखते हुए पुलिस ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर, SP सहित ASP, SDM, SDOP सहित वरिष्ठ अधिकारियों और भारी पुलिस बल ने रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस मार्ग का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने मीडिया को बताया, रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस मार्ग का पैदल चलकर निरीक्षण किया गया है, कोई समस्या तो नहीं है, क्या व्यवस्था करना है देखा गया है। इस बार का जुलूस भव्य निकलेगा, आयोजकों से भी चर्चा हुई है, उम्मीद है कि इस बार शानदार जुलूस निकलेगा। इस बार 30 मार्च को रामनवमी का जो जुलूस निकलेगा उसका पूरा रूट मैंने और SP साहब ने पूरा पुलिस और प्रशासन के साथ देखा हुआ है। रूट पर कोई समस्या तो नहीं है, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था करना है वो पूरी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है और इस बार का जुलूस भव्य निकले, आयोजकों से भी लगातार बात हुई है, उनसे बैठक हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जुलूस है वो शानदार निकलेगा। पिछली बार जो समस्याएं थी वो इस बार नहीं आएंगी। सभी से लगातार बात चल रही है, डेली बैठक हो रही है, रूट भी देखा हुआ है, मतलब हर एंगल से इसमें सब लोगों को शांति और सद्भाव से बढ़िया रामनवमी का जुलूस निकले उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी लोगों चर्चा में पाया गया है कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग, समुदाय जो भी हैं आपस में मिल करके एक दूसरे का स्वागत करते हुए बेहतरीन जुलूस निकलेगा ऐसा आश्वासन दिया हुआ और हम लोग पूरी तैयारियां प्रशासन भी कर रहा है। वहीं SP धर्मवीर सिंह ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था के लिए लगातार पेट्रोलिंग संवेदनशील इलाकों में कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर कार्य योजना बन रही है। 30 मार्च को रामनवमी और आगामी त्योहार पर कानून व्यवस्था की तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं, सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाए जाए, आम जनता में संदेश जाए कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था बहुपुख्ता है, जनता अपना त्यौहार आनंद से बनाए। जो त्यौहार हैं उनको देखते हुए लगातार हम लोग पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उसमें प्रशासन की सारी हमारी टीम, कलेक्टर साहब भी हैं, SDM और पूरे प्रशासनिक अमले के साथ में, पुलिस व्यवस्था के साथ में सारे संवेदनशील क्षेत्रों का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरी कार्ययोजना बना सकें आगामी त्यौहारों की। बाकी जितने भी समाज के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चाएं हुई हैं और 30 तारीख को रामनवमी का पर्व है और आगामी समय में जो अपना मुस्लिम धर्म के त्यौहार हैं उन सभी की तैयारियां हम बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे त्यौहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे से निकलेंगे। गौरतलब है कि आगामी 30 मार्च को रामनवमी पर्व को देखते हुए पुलिस अभी से अलर्ट पर है, क्योंकि खरगोन शहर में पिछले वर्ष रामनवमी के जुलूस, पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद 24 दिन तक शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। इस बार सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पहले ही पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खरगोन।